हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको C51 5G फ़ोन है, तो पोको C51 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं पोको C51 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं पोको C51 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं पोको C51 5G फ़ोन में, सिंपली आपको सर्च करना है होम स्क्रीन क्लॉक पर। इस तरह से कोई भी ऑप्शंस नहीं आएगा, तो सिंपली आपको सर्च करना है टाइमिंग सेटिंग। तो टाइम सेटिंग सर्च करते ही डायरेक्टली आप टाइमिंग पे चले जाएंगे, और जो भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आप क्लॉक टाइमिंग वगैरह को आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। देख सकते हैं कि ओके करते ही आपका जो टाइमिंग है आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडिंग करके टाइमिंग को आप सेट कर पाएंगे, ओके करते ही सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली टाइम को सेट करना चाहें तो इसको ऑन करना होगा, और ऑन करके टाइमिंग को ऑटोमेटिकली भी आप सेट कर सकते हैं। ऑफ़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं पोको C51 5G फ़ोन में, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।